जी अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी मैं अपने गार्डन में हूँ फ्रेंड्स। अभी सारे रोज़ प्लांट अभी ये सीज़न में बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं और अभी धीरे धीरे करके क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो रहा है, पहले से ठंडियाँ थोड़ी सी कम हो रही है, तो वो एक अच्छी बात है, हमारे सारे प्लांट्स को वो बेनिफिट ही करेगी। तो अब तो तक मार्च महीने तक आपको अभी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा मिलेगा और मार्च महीने तक आपके यहाँ विंटर प्लांट्स भी बहुत ही अच्छे चल जाएंगे और रोज़ प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, फ्लावरिंग्स भी वो मैक्सिमम देंगे। तो अभी जो सीज़न आएगी वो स्प्रिंग सीज़न कहलाएगी। स्प्रिंग सीज़न में प्लांट्स बहुत ही अच्छे ब्लूम करते हैं, बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं, तो इसीलिए वो सीज़न के लिए हमें अपने सारे प्लांट्स को तैयार करना है। वैसे तो मेरे प्लांट्स की तैयारी मैंने करके ही रखी है, जितने भी जो मुझे अनवांटेड ब्लूम्स थे वो मैंने सारे कट कर लिए हैं, साथ में मेरे प्लांट्स ने अभी न्यू शूट्स वगैरह डेवलप कर ली है, तो उसके ऊपर फ्लावरिंग्स अभी आती रहेगी और जैसे जैसे फ्लावरिंग्स आएगी वैसे वैसे मैं अपने प्लांट्स के सारे फ्लावर्स कट करते रहूँगा ताकि न्यू ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो वो तो अभी रोज़ प्लांट की बात हो गई फ्रेंड्स, लेकिन आज का टॉपिक हमारा काउडंग लिक्विड के ऊपर है। वैसे फ्रेंड्स काउडंग लिक्विड के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है जो बहुत ही पहले मैंने बनाई थी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए जब मैंने यूट्यूब चैनल नया स्टार्ट किया था, तब की वीडियो है। और तब से फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ काउडंग लिक्विड का इस्तेमाल रेगुलरली हफ्ते में एक बार करता हूँ मेरे सारे प्लांट्स के अंदर, ताकि मेरे प्लांट को ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन मिलता रहे। मैंने आज तक कभी भी मेरे कोई भी प्लांट के अंदर यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, क्योंकि यूरिया फर्टिलाइज़र एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है और बहुत ही डेंजरस केमिकल फर्टिलाइज़र मेरे हिसाब से है, क्योंकि अगर उसका डोजेज थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपके प्लांट्स को पूरा ख़त्म कर लेगा, और अगर उसका डोजेज आप रेगुलरली करोगे तो बाद में आपकी प्लांट की सॉइल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। इसीलिए यूरिया फर्टिलाइज़र्स को आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन के लिए हमारे काउडंग बहुत ही बेस्ट है। और मैंने काउडंग लिक्विड कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं अपने काउडंग लिक्विड के अंदर थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काउडंग के कुछ टुकड़े हैं, तो ये हम 10-12 टुकड़े ये 20 लीटर की बकेट के अंदर डाल देंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो 10 मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैंने 2-3 निकाल देता हूँ। तो 7 टुकड़े हैं, अगर छोटे हो तो 10 डाल सकते हैं, लेकिन बड़े हो तो आप 7 टुकड़े डालिए, 7 से 8 टुकड़े डालिए। तो वो हिसाब से हमें काउडंग के एक इसके अंदर डाल देने हैं। 20 लीटर की बकेट है, 20 लीटर की बकेट के अंदर हमें पानी भर देना है। तो ये जो काउडंग केक्स है फ्रेंड्स, ये डीकम्पोज किए हुए नहीं है, अच्छी तरह ड्राई किए हुए हैं। काउडंग केक्स हमें फुल्ली ड्राई काउडंग केक्स लेने हैं, हमें बिल्कुल भी गीले उपले नहीं लेने हैं। तो हमें अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना है, और अभी हमने इसको डीकम्पोज नहीं किया है। और मैं ये पानी इसके अंदर डाल देता हूँ, 20 लीटर की बकेट के अंदर मैं पूरा बकेट भर दूंगा ऊपर तक। और इसके अंदर मैं फ्रेंड्स मैं वेस्ट डिकम्पोज़र डालने वाला हूँ। वेस्ट डिकम्पोज़र से ये जितने भी काउडंग के उपले हैं वो सारे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, और उसका जो वेस्टेज निकलता है वो बहुत ही कम निकलेगा। अब फ्रेंड्स जो काउडंग का वेस्टेज जो निकलता है, जैसे कि ये काउडंग जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाते हैं ये पानी के अंदर, और उसका जो वेस्टेज निकलता है वो वेस्टेज मैं अपनी सॉइल के साथ मिक्स कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो सॉइल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सॉइल ऑलरेडी मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखता हूँ, जिसके अंदर 50% जितनी हमारी नर्सरी सॉइल रहती है, 20% जितना हमारा वर्मी कंपोस्ट रहता है, 30% to 20% जितना मैं सैंड मिक्स कर देता हूँ। तो ये जो सॉइल रहती है फ्रेंड्स मैं मेरे पास हमेशा रेडी रहती है, या तो मैं कभी मुझे कोकोपीट डालना हो तो ऊपर से एक्स्ट्रा मैं 10 से 15% जितना कोकोपीट भी डाल देता हूँ, जैसे जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे। तो मैं सैंड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, वर्मी कंपोस्ट का कर लेता हूँ, और जो ये हमारी गार्डन सॉइल है उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये सॉइल के अंदर फ्रेंड्स मैं अपने जो काउडंग का जो वेस्ट निकलता है वो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ, ताकि धीरे धीरे अंदर वो डीकम्पोज होता जाए और अपनी सॉइल को भी वो ऑर्गेनिक बनाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट की सॉइल को हेल्दी बनाता रहता हूँ। अब आप सोचते होंगे कि हमें तो डीकम्पोज किया हुआ काउडंग लेना चाहिए, तो आपकी बात एकदम सही है फ्रेंड्स कि डीकम्पोज किया हुआ काउडंग लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ये पानी के अंदर जो काउडंग आप ये काउडंग के उपले डालते हो, जैसे कि 1.5 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो उसका जो काउडंग, ये जो काउडंग के केक्स है वो धीरे धीरे करके डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर ही।
तो उसका जो मटेरियल बचता है फ्रेंड्स, वो पहली बार में मैं नहीं निकालता, मैं दूसरी या तो तीसरी बार में निकालता हूँ, यानी कि 2 महीने या तो 3 महीने में एक बार वो जितना भी वेस्टेज होता है वो सारा निकाल के मैं अपने सॉइल के अंदर डाल देता हूँ। और सॉइल के अंदर भी वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता रहता है, जैसे कि जैसे सॉइल के अंदर मैंने रखा है तो सॉइल मेरे पास हमेशा पड़ी ही रहती है, ऐसे महीने 1.5 महीने 2 महीने तक वो सॉइल ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो सॉइल के अंदर भी धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, जो हमारे प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सॉइल मैं यूज़ करता हूँ वही सॉइल मैंने अपने रोज़ प्लांट के अंदर भी यूज़ किए, मैंने अपने दूसरे सभी प्लांट्स के अंदर यूज़ किए, तो मेरे यहाँ तो अभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये हिसाब से मैं ये काउडंग के जो वेस्टेज है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब जो डिकम्पोजर फ्रेंड्स आज मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, इससे ये जो काउडंग के उपले हैं वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, पानी के अंदर बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो अभी ये बकेट को भरने दीजिए, बाद में मैं वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल देता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये बकेट को भर दिया है पानी से और सारे उपले ऊपर आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये उपले नीचे जाते जाएंगे और धीरे धीरे पानी के अंदर डिकम्पोज होते जाएंगे। अब फ्रेंड्स हमें वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। वेस्ट डिकम्पोजर लेने से पहले आप एक चीज़ चेक कर ले फ्रेंड्स, ऊपर इसके जो वेस्ट डिकम्पोजर की जो परत रहती है ऊपर वो ग्रीन कलर की रहनी चाहिए, अगर वो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की होगी तो बाद में वो यूज़लेस है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो एरिया है वही उसका मेन कल्चर है, तो ऊपर ही इसके जो माइक्रोब्स है वो ऊपर ही रहते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप बोतल ओपन करते हो तो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का लिक्विड नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पीछे वाला जो एरिया है वो वाइट कलर का है जबकि ऊपर वाला एरिया है वो ग्रीन कलर का है। तो ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ही वो चीज़ है जो आपके लिक्विड को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, सॉइल को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, यानी कि ऊपर ही माइक्रोब्स होते हैं, जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा उतना काम में आपको नहीं आएगा। तो आप जब भी बोतल ओपन करते हैं तो इतना देखिए, ऊपर वाले हिस्से पे आपको ग्रीन कलर दिखना चाहिए। तो अब ये जो वेस्ट डिकम्पोजर फ्रेंड्स वो मैं अंदर डाल लेता हूँ। तो अब हमें ये डाल के इसको अच्छी तरह मिला देना है ताकि ये लिक्विड के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब फ्रेंड्स हमें इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। गुड़ इसीलिए डालना है कि जितने भी वेस्ट डिकम्पोजर के जो माइक्रोब्स है वो अच्छी तरह ये लिक्विड के अंदर फैल जाए और ये जो हमारे काउडंग है उसको अच्छी तरह डिकम्पोज कर ले। तो इतना गुड़ तो काफ़ी रहेगा। तो अब फिर से हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स ये जो काउडंग लिक्विड यानी कि काउडंग टी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बनाने का मेरा इंटेंशन यही है कि सबसे पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये काउडंग को, ये जितने भी काउडंग केक्स है उसको अच्छी तरह डिकम्पोज कर लेगा ये लिक्विड के अंदर, साथ में जो इसके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, जो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जितने भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो हमारी सॉइल के अंदर जाएंगे। सॉइल के अंदर जाके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हुए हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जैसे कि हम जाइम फर्टिलाइज़र डालते हैं, या तो आप नीम केक्स डालते हो या तो आप बोन मील डालते हो, वो सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर जाके धीरे धीरे करके डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, एक मिट्टी का फॉर्म ले लेते हैं ताकि प्लांट उसके अंदर से अच्छे खासे न्यूट्रिशंस अपने अंदर सक कर सकें। तो अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर डालोगे अपने प्लांट की सॉइल के अंदर तो बाद में ये जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हो वो बहुत ही जल्दी आपकी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा। जैसे कि आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो, केमिकल फर्टिलाइजर से आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी फास्ट देखने को मिलेगा, बस सेम तरीके से आपको अगर वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालोगे तो बाद में जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालते हो वो सारे बहुत ही जल्दी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और आपके प्लांट को बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट मिल सकता है। तो मेन इंटेंशन वेस्ट डिकम्पोजर का वही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की ये कमेंट आती है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर की यूज़ करते हो अगर आप इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो। तो वेस्ट डिकम्पोजर फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके सॉइल के अंदर जाके जितने भी आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज प्लांट को करके देगा। तो वेस्ट डिकम्पोजर का मेन इंटेंशन वही है। और ये जो हम काउडंग लिक्विड भी बना रहे हैं फ्रेंड्स, काउडंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे रोज़ प्लांट्स के लिए और जितने भी पौधे हैं सभी प्लांट्स के लिए काउडंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स है।
मेरा दूसरा इंटेंशन यही है कि काउडंग अगर मैं जितना मैक्सिमम यूज़ करूँगा मेरी सॉइल के अंदर, तो बाद में मेरी सॉइल भी उतनी हेल्दी रहेगी, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते रहेंगे, और अगर अच्छी तरह ये डीकम्पोज भी हो जाएगा तो बाद में और ज़्यादा बेनिफिट करेगा हमारी सॉइल को। क्योंकि जनरली फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ काउडंग ज़्यादा डीकम्पोज करने के लिए नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर से स्मेल बहुत ही ज़्यादा आती है, और लिक्विड जो मैं बनाता हूँ फ्रेंड्स उसको मैं कवर करके रखता हूँ ताकि मेरे गार्डन के अंदर उसकी स्मेल ना आए। और अगर मैं काउडंग को ऐसे ही डीकम्पोज करने के लिए मेरे गार्डन में रहूँगा तो एक टाइप की स्मेल आती रहती है जो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाद में मैं वर्मी कॉम्पोस्ट लाता हूँ और वर्मी कॉम्पोस्ट का एप्लीकेशन करता हूँ। तो वर्मी कॉम्पोस्ट का एप्लीकेशन मेरा तीसरा पॉइंट, मेरा तीसरा इंटेंशन वर्मी कॉम्पोस्ट का ही है फ्रेंड्स, कि मैं वर्मी कॉम्पोस्ट का एप्लीकेशन महीने में एक बार ही करना चाहता हूँ। क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट मुझे खरीदना पड़ता है, कॉस्टली है, 50 किलो की बोरी मुझे 700 रुपये की मिलती है, तो 2 महीने चल जाती है, यानी कि महीने का एवरेज मुझे 300 रुपये की मेरी बचत हो जाएगी। तो मैं वर्मी कॉम्पोस्ट का एप्लीकेशन बहुत ही कम कर लूँगा, महीने में एक बार करूँगा, क्योंकि अगर काउडंग लिक्विड में रेगुलरली अपनी सॉइल में डालता हूँ और दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मैं डालता हूँ तो बाद में वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपनी सॉइल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, और जितने भी जो ड्राई लीव्स वगैरह है वो भी अपनी सॉइल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं फ्रेंड्स जो डिकम्पोज होना चाहिए अपनी सॉइल के अंदर, वो सारे अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाएंगे और हमारी सॉइल को ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। वर्मी कॉम्पोस्ट हमें महीने में एक बार डालना है, पूरा इसको टोटली बंद भी नहीं करना है, क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट के अंदर अर्थवर्म्स के अंडे रहते हैं। तो अगर आप वर्मी कॉम्पोस्ट महीने में एक बार या तो 20 दिन में एक बार अपनी सॉइल के अंदर डालते हो तो बाद में वो अंडे धीरे धीरे करके अर्थवर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अर्थवर्म्स आपकी सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज करेगा, तो आपको बाद में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार अर्थवर्म्स की क्वांटिटी आपके प्लांट की सॉइल के अंदर आ जाए तो बाद में हमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन भी नहीं करना है। तो मेरा इंटेंशन चौथा यही है फ्रेंड्स के समर सीज़न आने से पहले मैं अपनी सॉइल को इतना अच्छा हेल्दी बना दूँ कि मुझे बाद में उसके अंदर किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। एट प्रेजेंट मैं सुपर फॉस्फेट और पोटाश डालता रहता हूँ, महीने में एक बार डालता हूँ, और अभी मैं DAP डाल रहा हूँ 20 दिन में एक बार अपने सारे रोज़ प्लांट के अंदर। लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होगी तो मैं सबसे पहले मैं DAP डालना बंद कर दूंगा, और अगर बाद में मैं धीरे से कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाने वाला हूँ मेरे रोज़ प्लांट के लिए जिसके अंदर फॉस्फरस और पोटाश की मात्रा अच्छी खासी मौजूद हो, तो वो फर्टिलाइजर्स मैं अपने रोज़ प्लांट के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर लूँगा ताकि गर्मियों की सीज़न में भी मेरे प्लांट्स अच्छे खासे ग्रो हो सके। वो मेरा आगे का प्लानिंग है फ्रेंड्स गर्मियों की सीज़न के लिए। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपको इच्छा हो तो आप ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के ज़रिए, और ये जो काउडंग लिक्विड है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्रेंड्स हमारी प्लांट के लिए। तो अगर आप अपने घर पे काउडंग डीकम्पोज नहीं करते हो और अगर आपको चीप सोर्स चाहिए, सबसे सस्ता वाला फर्टिलाइज़र चाहिए जो हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा हो, हेल्दी हो, तो बाद में ये जो फर्टिलाइज़र है वो आपके यहाँ अच्छा काम करेगा। क्योंकि मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूस, और मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो सबसे मेजर रीज़न है फ्रेंड्स मेरे या ये रोज़ प्लांट्स और वगैरह प्लांट्स के ग्रो होने का, वो है ये काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। सेकंड है वर्मी कॉम्पोस्ट। तो ये 2 चीज़ मैं रेगुलर मैं अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करता रहता हूँ जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स की सॉइल हेल्दी रहती है। तो इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है। अब हम इसको 15 या तो 20 दिन तक रहने देंगे, 20 दिन के बाद मैं इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लूँगा। तो मैं संडे अपडेट की वीडियो में आपको अपडेट करता रहूँगा कि ये कितना डीकम्पोज हुआ है। आप मेरी संडे अपडेट की वीडियो रेगुलर देखते रहिए, तो मैं संडे अपडेट की वीडियो में बताऊंगा, और 20 दिन के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूंगा कि किस हिसाब से हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करके मैं आप सभी के साथ वो चीज़ शेयर भी करूँगा। लेकिन अगर आपको बनाना हो तो आप अभी बना के रेडी कर दीजिए ताकि 20-25 दिन के बाद आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स काउडंग लिक्विड को बनाने के लिए। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।